Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum and welcome my dear students. As you know I am your science teacher Ms. Ruj. I hope you all are fine and doing well. This is unit number seven matter and the water cycle. As you know we have discussed the first part in previous lecture and now we will discuss the second part that is changes in matter and the water cycle and inshallah by the end of this part you will be able to differentiate between physical and chemical changes in matter explain reversible and irreversible changes in matter and describe the water cycle in nature so first of all we will take a short review of previous lecture i hope you have remembered dear students everything around us is made up of matter and the three known states of matter are solid, liquid and gas. So if I ask you how do we know if something is solid, liquid or gas? Yes, you are right. By the arrangement of particles and by identifying their shapes. That you can see on your screen, which we have learned in previous lecture. All right so let's start our today's topic that is change of state and find out how the heating or cooling can change the state of matter to understand that we can take the help of water because water can exist in three different states solid liquid and gaseous in solid state water exists as ice or snow in the liquid state it exists as liquid water in the gaseous state it exists as water vapor or steam so the first is solid to liquid solid changes into liquid when we take it out of freezer or heat it gently it absorbs energy and changes into liquid dear students aapne aksar observe kiya कि आइस क्यूब्स को अगर हम फ्रीज़र के बाहर रखते हैं, तो ये अपनी शक्ल बदल लेते हैं ये आइस क्यूब्स कुछ देर में सॉलिड यानी बर्फ़ से लिक्विड यानी वाटर में तब्दील हो जाते हैं और सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होने का ये अमल मेल्टिंग कहलाता है आइस क्यूब्स अपने सराउंडिंग्स में मौजूद हीट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और इस तरह इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और इनमें मौजूद मॉलिक्यूल्स की हरकत भी बढ़ जाती है जब आइस क्यूब्स का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो ये पिघलना शुरू कर देते हैं यानी, जब तक आइस क्यूब्स फ्रीज़र में थे तो इनका टेम्परेचर माइनस में था और जैसे ही इन्हें फ्रीज़र से बाहर रखा गया तो इनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया और बर्फ़ पिघलने लगी और जिस दर्ज हरारत पर बर्फ़ ने पिघलना शुरू किया वो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है इसी तरह मुख्तलिफ सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ़ होते हैं नाउ हेयर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन लिक्विड टू सॉलिड दैट मीन्स फ्रीजिंग अ लिक्विड चेंजेस इन टू अ सॉलिड वैन इट इज़ कूल्ड दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग फॉर एग्जाम्पल वाटर चेंजेस इन टू आइस वन इट इज़ कैप्ड फॉर टाइम इन द फ्रीज़र डेयर स्टूडेंट्स यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है कि मैटर के स्टेट्स में तब्दीली का एक मेन फैक्टर टेम्परेचर होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो मैटर के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेज़ी से मूव करते हैं और अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो मैटर के पार्टीकल्स की अनर्जी भी कम हो जाती है और उनके दरमियान मूवमेंट भी कम हो जाती है और वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो जब हमें किसी लिक्विड को सॉलिड में तब्दील करना हो तो हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं और कुछ घंटों बाद लिक्विड आइस यानी सॉलिड में तब्दील हो जाता है जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रीज़र के अंदर का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले में बहुत कम होता है जिसकी वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान एनर्जी कम होने लगती है लिक्विड के पार्टिकल्स कम टेम्परेचर की वजह से श्रिंक होने लगते हैं और इस तरह इनके दरमियान जगह यानी इंटर मोलिकुलर इस्पेस कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आकर टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और वो पॉइंट जिस पर पानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में तब्दील होता है वो पॉइंट पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है जो कि ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसी तरह मुख्त लिक्विड्स के फ्रीजिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ होते हैं राइट ओके नाउ लेट सी वॉट हैपन्स वेन अ गैस चेंजेस इन टू लिक्विड अ गैस चेंजेस इन टू लिक्विड इफ इट इज़ कूल्ड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट आइस क्यूब्स इंटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कीप दिस ग्लास एट रूम टेम्परेचर वी सी टाइनी डॉबलेट्स ऑन द आउट साइड सरफेस ऑफ द यानी गैस को अगर ठंडा कर दिया जाए तो ये लिक्विड में तब्दील हो जाती है मिसाल के तौर पर अगर हम ठंडे पानी की बोतल या कोई गिलास जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो और उसमें आइस क्यूब्स भी मौजूद हों उसे हम रूम टेम्परेचर पर रख दें तो कुछ देर के बाद इनकी सरफेस पर छोटे छोटे पानी के ख़तरे नज़र आते हैं क्या आप जानते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद होती है ये भी गैस है तो जब बोतल या ग्लास के गिर्द मौजूद हवा बोतल या ग्लास की ठंडी सतह से टकराती है तो गैस के पार्टिकल्स हीट लॉस करके ठंडे हो जाते हैं और ग्लास या बोतल की सतह पर दिखाई देने लगते हैं तो इस तरह वाटर वेपर्स यानी गैस का लिक्विड में तब्दील होना कंडेंसेशन कहलाता है इसी तरह सुबह के वक्त पत्तों पर मौजूद पानी के ख़तरे जिन्हें ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं ये भी इसी तरह जमा होते हैं रात भर में पौधों की सरफेस ठंडी हो जाती है और जब हवा में मौजूद वेपर्स इनसे टकराते हैं तो ठंडे हो जाते हैं और ड्यू ड्रॉप्स की शक्ल में इनकी सतह पर जमा हो जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं राइट ओके सो डू यू एवर थिंक दैट हाउ द लिक्विड वाटर चेंजेस इन टू अ गैस विदाउट बॉइलिंग Look at the pictures on your screen. A liquid changes into a gas when it absorbs heat from its surroundings. This is called evaporation. For example, as the sun heats water in a puddle, the water in the puddle slowly disappears. It moves into the air as a gas called water vapor. Dear students, इवाप्रेशन को समझने के लिए हम एक पडल की मिसाल लेते हैं यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ कुछ पानी मौजूद हो तो देखिए एक पडल में मौजूद पानी कुछ वक्त के बाद गायब हो जाता है तो क्या आप जानते हैं कि पानी कहाँ चला जाता है पडल में मौजूद पानी यानी लिक्विड के पार्टिकल्स सूरज से मिलने वाली हरारत को एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो इनके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और ये तेज़ी से मूव करने लगते हैं और इस तरह पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस बढ़ने लगता है और वो गैस यानी वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं और इस तरह पडल में मौजूद पानी हीट एब्ज़ॉर्ब करता है और कुछ वक्त के बाद भाप बनकर एवपोरेट हो जाता है राइट आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ सब्लीमेसन वेना सॉलिड चेंजेस इन टू अ गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लीमेशन यानि जब कोई सॉलिड लिक्विड में तब्दील हुए बगैर डायरेक्ट गैस में तब्दील होता है तो ये अमल सब्लीमेशन कहलाता है जैसे कि ड्राई आइस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉलिड फॉर्म होती है इसी तरह विंटर्स में होने वाली स्नोफॉल जिसमें बर्फ मेल्ट हुए बगैर वेपर्स यानी गैस में तब्दील हो जाती है नाउ लेट सी द वॉटर साइकिल दिस इज वन ऑफ द साइकिल्स द होल साइकिल इज ड्राइविन बाय द हीट फ्रॉम द सन द वॉटर साइकिल इज अ रिवर्सिबल चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच वी कैन सी द वॉटर इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर सो लेट सी नंबर वन एपोरेशन Water from the rivers, ponds, lakes, and oceans goes up in the form of vapors. Number two, condensation. When vapors high up in the sky, they come in contact with cold air and cool down, means condensed, then forming clouds. Number three, precipitation. As the condensed water vapors or clouds become heavier, दॉल्ट डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन नंबर फोर कलेक्शन द वॉटर दैट फॉल्स बैक गोज बैक टू द लैंड रिवरस लेक्स एंड ओशंस डेयर स्टूडेंट्स वोटर साइकिल कुदरत का एक निज़ाम है जिसके ज़रिए पानी मुस्तक हरकत में रहता है मोटरसाइकिल एक क़ुदी मिसाल है जिसमें हम पानी को एज अ मैटर मुख्तलिफ़ इस्टेट्स में देख सकते हैं तो देखिए सबसे पहले पानी मुख्तलिफ जगहों यानी दरिया समंदर झील वगैरह से वेपर्स की शक्ल में ऊपर उठता है इसे एवपोरेशन कहते हैं इसके बाद ये वेपर्स ऊपर जाकर ठंडी हवा के साथ मिलकर ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस होकर क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जब क्लाउड्स में पानी की मात्रा एक मखसूस हद तक बढ़ जाती है तो ये बारिश की शक्ल में वापस ज़मीन पर बरस जाते हैं और इस तरह पानी ज़मीन पर मुख्तफ जगहों में यानी समंदर दरिया और झीलों वगैरह में वापस जमा हो जाता है नाउ हेयर वी डिस्कस द रिवर्सिबल चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर रिवर्सिबल चेंजेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू सब्सटेंस एज दे आर नॉट परमानेंट चेंजेस दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंजेस मैटर की मुख्तलफ़ स्टेट्स में होने वाली इस तरह की तब्दीली में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है ये ऐसी तब्दीली होती है जो सिर्फ कुछ देर के लिए हो या जिससे मैटर की शक्ल तब्दील हो जाए जैसे कि हमने पानी को मैटर की मुख्तलि स्टेट्स में देखा यानी लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड बनते हुए यानी फ्रीजिंग या मेल्टिंग वगैरह इस तरह की तब्दीलियों को फिज़िकल चेंजेस भी कहते हैं एंड इ चेंजेस आर परमेंट चेंजेस दीज चेंजेस प्रोड्यूस अ कम्प्लीटली न्यू मटीरियल अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ कुकिंग फूड दीज चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंजेस इवर्सिबल चेंजेस मैटर की मुख्तल स्टेट्स में होने वाली ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो मुस्तकिल तौर पर हो जाती हैं और इन चेंजेस के होने के बाद कोई नया मटीरियल बन जाता है जैसे कि खाना बनाने का अमल इन्हें हम केमिकल चेंजेस भी कहते हैं इन तब्दीलियों के नतीजे में मैटर को इसकी असल शक्ल में वापस नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक अंडे को तोड़ने के बाद वापस जोड़ नहीं सकते या इसे फ्राई या बॉइल करने के बाद वापस इसे रॉ एग में तब्दील नहीं कर सकते राइट ओके सो डियर स्टूडेंट्स दैट इज देंड ऑफ यूनिट नंबर सेवन Now we will meet again with a new chapter. Till then, enjoy learning and take care of yourself. Allah is.